दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स दिसंबर 2018 के करेंगे। तो यह है पहला भाग है इसका, दूसरा भाग भी इसका जो है मैं बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूर फाइनल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये हैं पीवी सिंधु। तो भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीन के ग्वांगजू में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर के फाइनल मुकाबले में जापान की निजोमी ओकुहारा को हराकर जो है ये खिताब जीता है। तो पीवी सिंधु वर्ल्ड टूर फाइनल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 कौन बनी है। तो ये हैं श्री सैनी। तो अमेरिका के न्यूजर्सी में आयोजित 27वें ग्लोबल पेजेंट में पंजाब के लुधियाना के रहने वाली श्री सैनी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब जीता है। तो इस प्रतियोगिता में विदेश में रहने वाली भारतवंशी युवतियाँ जो है वो भाग लेती हैं। तो श्री सैनी ने जो है वो पिछले साल मिस इंडिया USA का खिताब भी जीता था। नेक्स्ट है कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो जैसा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो पांचों के आपको बताता हूँ। मिजोरम में जो है वो बने हैं जोराम थंगा। तो ये है मिजो नेशनल फ्रंट के 74 वर्षीय जोराम थंगा ने तीसरी बार मिजोरम के जो है वो सत्ता संभाली है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये हैं भूपेश बघेल। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी। तो भूपेश बघेल का जन्म जो है वो 23 अगस्त 1961 को हुआ था और भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं कमलनाथ, जो कि कांग्रेस के हैं। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 17 दिसंबर 2018 को कमलनाथ को मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई थी। तो आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस से हैं। तो 17 दिसंबर 2018 को राज्यपाल कल्याण सिंह ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी और इसके साथ में जो है वो उप मुख्यमंत्री बनाया गया था सचिन पायलट को। तो अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे सबसे पहले जो है वो 1998 में मुख्यमंत्री बने थे और इनके 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था इन्होंने। दूसरी बार जो है वो 2008 में बने थे और 5 साल का इन्होंने कार्यकाल पूरा किया था और अब जो है वो 2018 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि तेलंगाना में दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना जो है वो नया राज्य गठित हुआ है, तो इसमें जो है वो पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो के चंद्रशेखर राव बने थे और अभी जो है इलेक्शन हुआ है उसमें भी के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बने हैं। तो इनको जो है वो राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने शपथ दिलवाई थी। दो क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए हैं। इनका क्वेश्चन आंसर जो है इन क्वेश्चंस का आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो जो थी नवंबर की उसमें आपको करवाए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसके जो है सभी राइट आंसर्स देंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए शशिकांत दास, बी सुनील अरोड़ा, सी दिलीप मिश्रा या डी OP रावत। तो इसका आंसर आप मुझे अभी दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए 12 सितंबर, बी 12 अक्टूबर, सी 12 नवंबर या डी 12 दिसंबर। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप को इनके आंसर नहीं आते हैं या फिर अगर आप इनके आंसर जो है वो मैच करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो इनके आंसर दिए हुए हैं, आप वहां से जो है उनके आंसर चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खिलाड़ी शतरंज का वर्ल्ड चैंपियन बना है? तो ये है मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन जो है वो नॉर्वे के खिलाड़ी है और ये चौथी बार शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहाँ पर CII एग्रोटेक इंडिया 2018 का उद्घाटन किया? तो ये किया है चंडीगढ़ में। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले CII एग्रोटेक इंडिया 2018 का चंडीगढ़ में उद्घाटन किया था और ये सम्मेलन जो है वो 1 दिसंबर से 4 दिसंबर 2018 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2018 किस देश में आयोजित की गई है? तो ये की गई है भारत में। 15 से 24 दिसंबर तक विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है भारत में किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो है वो हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। नेक्स्ट है कि हिंदी का साहित्य अकादमी 2018 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है चित्रा मुदगल। तो हिंदी में लेखिका चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये मनाया है 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर 1965 में भारत में जो है वो सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है वो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने एक अभी वेबसाइट भी बनाई है आपके लिए जिसका नाम है indiacurrentgk.com। तो आप जो है उस वेबसाइट पर विजिट कीजिए। उस पर मैंने जो जनवरी से लेकर जो है वो करंट अफेयर्स करंट जीके जो है वो इंडिया और वर्ल्ड की वो उसमें डाली हुई है और अभी भी जो है उसके अंदर क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ। तो आप वो वेबसाइट जो है ज़रूर विजिट कीजिए। उसका नाम आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, नाम है indiacurrentgk.com। और आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसमें विजिट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार किन्हें नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस नाम के पहले सबसे भारी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये है GSAT-11। तो भारत ने 5,854 किलोग्राम का अपना सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 फ्रेंच गुआयना के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है अभी। नेक्स्ट है कि भारत ने किस रॉकेट के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से स्वदेशी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये है PSLV-C43। तो यह भारत का सबसे ताकतवर इमेजिंग सेटेलाइट है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वेनेसा पोंस ने। तो वेनेसा पोंस जो है वो मैक्सिको के रहने वाली है। इनका पूरा नाम है वेनेसा पोंस डी लियोन। तो इन्होंने चीन के सानिया शहर में आयोजित मिस वर्ल्ड 2018 चैंपियनशिप में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है और इनको जो है वो पिछली वर्ष 2017 की मिस वर्ल्ड थी भारतीय मानुषी छिल्लर, उन्होंने वेनेसा पोंस को ताज पहनाया। नेक्स्ट है हाल ही में एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 दिसंबर को और इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 1991 में। तो एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस जो मनाया जाता है। नेक्स्ट है महिला कैटेगरी में बैलन डी ओर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एडा हैगरबर्ग को। तो नॉर्वे की 23 वर्षीय खिलाड़ी है एडा हैगरबर्ग, इनको महिला कैटेगरी का बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया है। तो फुटबॉल का यह जो है वो सबसे बड़ा अवार्ड है और ये इस बार महिला कैटेगरी में पहली बार दिया गया है जो कि एडा हैगरबर्ग ने जीता है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI का नया गवर्नर किन्हें बनाया गया है? तो ये है शशिकांत दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर जो है वो शशिकांत दास को बनाया गया है। तो अभी हाल ही में जो है वो निजी कारणों से उर्जित पटेल जो कि गवर्नर थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, तो
तो उसके बाद में शशिकांत दास को आरबीआई का नया गवर्नर बनाया गया है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय बॉक्सर विश्व चैंपियनशिप में 6 गोल्ड जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बॉक्सर बन गई है? तो ये है एमसी मैरीकॉम। तो भारतीय बॉक्सर एमसी मैरीकॉम ने दिल्ली में आयोजित 10वीं आईबा विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो एमसी मैरीकॉम ने जो है वो फाइनल में यूक्रेन की हेमा ओखोता को 5-0 से हराकर छठी बार इस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है कि कौन सी भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन अवार्ड पाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है? तो ये है मनिका बत्रा। तो 23 वर्षीय मनिका बत्रा को वर्ष 2018 की ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार चुना गया है। तो मनिका बत्रा जो है वो अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल जो है वो 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया है? तो 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच 10 दिसंबर को कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? तो ये किया गया है चीन के शहर चेंगदू में। तो ये 14 दिन का सैन्य अभ्यास वहां पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित तवाज विज्ञान पुरस्कार 2018 किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर मशेलकर को। तो वैज्ञानिक डॉक्टर मशेलकर को द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस के तवाज लेनोवो विज्ञान पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। तो विकासशील देशों के वैज्ञानिकों के लिए यह सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय खिलाड़ी को शूटिंग का शीर्ष सम्मान द ब्लू क्रॉस दिया गया है? तो ये है अभिनव बिंद्रा को। तो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा को शूटिंग का शीर्ष सम्मान जो है द ब्लू क्रॉस दिया गया है और वो जो है ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, भारत के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने किस देश की आईटी सेवा कंपनी एटास से 3 वर्षीय औद्योगिक समझौता किया है? तो ये है फ्रांस की कंपनी। तो ये समझौता देश में उच्च क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर बुलसेक्वाना के डिजाइन, निर्माण और इंस्टॉलेशन के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 दिसंबर को। तो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के उपलक्ष्य में राष्ट्र ने जो है वो विजय दिवस मनाया है। तो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय सेना के सामने जो आत्मसमर्पण कर दिया था और उसी के उपलक्ष में ये विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के तट से कौन सा समुद्री तूफान टकराया है? तो ये है फेथई तूफान, जिसने कि काफी जो है वो क्षति की है वहां पर। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को करीब 10,066 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है? तो ये है मालदीव को। तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को जो है वो ये मदद देने की घोषणा की है। तो अभी जो है वो मालदीव में राजनीतिक संकट था, तो उसी कारण जो है ये राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह को दोबारा से ये राष्ट्रपति बने हैं, जो कि भारत के करीबी माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोवा ने अपना आज़ादी दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है 19 दिसंबर को। तो गोवा जो है वो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ये दिया गया है अमिताभ घोष को। तो जाने माने अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अमिताभ घोष को ये जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है। तो इस वर्ष जो ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, अमिताभ घोष को 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो वो प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 4,048 करोड़ रुपए की 366 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? तो ये किया है प्रयागराज में, यानी कि यूपी में।
तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले के लिए बनाए गए कमांड और कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट है हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये जीता है बेल्जियम ने। तो बेल्जियम ने हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में नीदरलैंड को सडन डेथ में 3-2 से पराजित करके पहली बार हॉकी वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो बेल्जियम के आर्थर वॉन डोरेन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन जो है वो भारत के उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत और रूस की वायुसेनाओं के बीच किए गए संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है, तो ये है अविंदर। तो भारतीय वायुसेना व रूसी एयरफोर्स के बीच 10 दिसंबर को जोधपुर में संयुक्त अभ्यास अविंदर जो है शुरू किया गया। तो दोनों देशों की नौसेना का यह है 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस सैन्य अभ्यास में जो है वो रूस की सेनाओं ने भारतीय जो वायुयान है उनके द्वारा ही इसमें अभ्यास किया है। नेक्स्ट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ब्रिजेंद्र पाल सिंह को। तो प्रसिद्ध टीवी सीरियल CID के निर्माता निर्देशक है ब्रजेंद्र पाल सिंह, तो इनको फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII का नया प्रेसिडेंट और उसकी गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। तो अभी हाल में जो अनुपम खेर ने इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद में ब्रजेंद्र पाल सिंह को इसका नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली 7वीं महिला कौन बनी है, तो ये है प्रिया शर्मा। तो राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली प्रिया शर्मा ने 15 दिसंबर 2018 को वायुसेना में फाइटर पायलट बनने वाली देश की 7वीं महिला बन गई है। नेक्स्ट है कि किस देश की टीम ने अंडर 23 ACC एमर्जिंग एशिया कप का खिताब जीता है, तो ये जीता है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका ने फाइनल में भारत को 3 रन से पराजित करके अंडर 23 ACC एमर्जिंग एशिया का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स 2018 कौन बनी है, तो ये है कैटरियोना ग्रे। तो फिलीपींस की रहने वाली कैटरियोना एलिसा ग्रे ने मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता है। तो 2017 की मिस यूनिवर्स डेमी ले नेल पीटर्स ने कैटरियोना ग्रे को ताज पहनाया है। तो दक्षिण अफ्रीका की टेमेरिन ग्रीन दूसरे स्थान पर रही है और वेनेजुएला की स्टेफनी गुटरेस तीसरे स्थान पर रही है। तो इस प्रतियोगिता में जो भारत की तरफ से भाग लिया था नेहल चुड़ास्मा ने, तो वो इसमें टॉप 20 में भी स्थान नहीं बना पाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संदीप सोमानी को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरी वेबसाइट है indiacurrentjk.com, आप उस पर ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको जो है वो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि इससे जो है आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।